दोस्तों, आप जीवन में अपने क्या चाहते हो, अगर आपको वो नहीं मिल पा रहा तो इसके पीछे आपकी मेजर कमी है, क्योंकि एक तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त दिमाग पलता है। दुनिया में दो मेजर चीज़ें हैं, एक एक्टिवनेस, एक लेजीनेस। जो लोग एक्टिव होते हैं तो वो हमेशा आगे बढ़ते हैं आप, और जो लेजी होते हैं वो जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लेजीनेस आड़े आ जाती है। वो क्या सोचते हैं, चल यार ये काम करना है आज ना करके अगर मैं कल कर लूँ, तो वो अपने आराम को, अपने कंफर्ट को प्रेफर करते हैं। तो एक तंदुरुस्त शरीर में ही एक तंदुरुस्त दिमाग पलता है। अगर आपका शरीर लेजी कर लोगे तो आपका दिमाग भी सुस्त होता चला जाएगा और आपके काम डिले होते चले जाएंगे। फिर आप ब्लेम दे दोगे कुदरत को कि ईश्वर ने ऐसा मेरे साथ किया, मेरे मुझे ऐसा बना दिया, मुझे ये नहीं मिल पा रहा, मुझे वो नहीं मिल पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो कमी तो अपनी देख नहीं पाते वो। तो अपनी सुस्ती को दूर फेंकिए और चुस्त हो जाइए। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक्टिव हो जाइए। अपनी ज़िंदगी को जाया मत जाने दीजिए, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। फिर पछताने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। जीवन आपका है, आप इसके साथ क्या करते हो ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप अपने जीवन के खुद मालिक हो। चाहे तो इसको आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव हो जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, चाहे इसको बैठे रहो, अपना टाइम वेस्ट करते रहो, टीवी देखते रहो, ओटीटी देखते रहो, पिक्चरें देखते रहो, गप्पे लड़ाते रहो, किसी की बुराइयां करते रहो, अपना टाइम खराब करते रहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं और अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। थैंक यू। चारों में से कोई भी बुक है, जो भी बंदा परचेज करता है, तो ये कोर्स फीस में से लेस हो जाएगी आपकी अमाउंट। देखो दोस्तों, अपनी ये फिफ्थ पार्ट वेदांग का रिलीज कर दिया मैंने, पब्लिश कर दिया। इसमें 16 जोन के गुणधर्म को और विस्तार से लिखा है, सेकंड पार्ट में भी है, पर इसमें भी उससे आगे का लिखा है। वास्तु की रेमेडी है, एक एक जोन में कैसे आएगी, और एस्ट्रो की रेमेडी है, और साथ में स्टोन किस दिन लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब इसमें है। इसकी प्राइस है 16,000।